मैं चाहता हूं कि अभी जब तक मैं चाहूं तो मुख्तसर और इख्तसार के साथ काम लूं, मैं बगैर किसी मजीद तमहीद और तारुफ की मारूल की सरखे सरजमीन से एक बहुत ही मुतरन्नुम शायर हमारे दरमियान तशरीफ लाया है, जिसे कायनात अदब बासित हमारे दरमियान आया है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए आपके दयाल बासित उमर। तवील अरसे के बाद आपके दयार में हाजिरी का शर्फ। एक मतला चंद शेर, इन शोदा को खिराज अकीदत, उसके बाद आपके मिजाज की गजल और फिर इजाजत। जी अता आसमां सताता है, ये जमीन सताती है। आसमां सताता है, आसमां सताता है, बहुत खूब बहुत, ये जमीन सताती है। शोहरत जहां हमको बारहा बुलाती है, शोहरत जहां हमको, शोहरत जहां हमको बारहा बुलाती है, शोहरत जहां हमको। शेर देखे हजरात। जी अता होता हूँ। कड़करी की बेवा से हुकूमत ने एक समझौता किया था, लेकिन उसने समझौते को ठुकरा दिया। उस पस मंदिर में एक शेर समाप्त करें। कर करे की बेवा को, कर करे की बेवा को क्या खरीद पाओगे, क्या तल्ख मिश्रा कहा है। कर करे की बेवा को क्या खरीद पाओगे, वक्त की सियासत को वो जो मुंह चढ़ाती है, वक्त की सियासत को। राघव साहब यहाँ मौजूद हैं। जी अता होता। कर करे की बेवा को क्या खरीद पाओगे, वक्त की सियासत को वो जो मुंह चढ़ाती है, वक्त की सियासत को। बहुत बहुत गजल का बुनियादी रंग उसके शेर में अता होता। हम लचक